हरे कृष्णा करवा माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस करवा चौथ को करक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। इस शुभ अवसर पर विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करवा माता की पूजा करती हैं। साथ ही करवा माता के निमित्त करवा चौथ का व्रत भी रख कर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो इस वीडियो में आज आप सभी भक्तगण करवा चौथ के सही तिथि, विधि, उपाय, नियम के बारे में जानेंगे। वीडियो तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। कई माताएं बहनें जो पहले से ही करवा चौथ का व्रत करती आ रही हैं और कई महिलाएं जो पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, वे सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं प्रमाणिक रूप से मैं उसे आप सबको बताने वाली हूँ। नारद पुराण और वामन पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस व्रत के पालन से सभी विवाहित महिलाओं को अखंड वरदान मिलता है और उसके साथ ही उनके परिवार में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो प्रिय भक्तगणों, करवा चौथ कब है और अन्य जानकारी जानने से पहले आइए अब जान लेते हैं कि आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इसकी असली कहानी क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए तो वहां उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह से पकड़कर नदी में ले जा रहा था। प्रिय भक्तों, यह देखकर तुरंत ही करवा जी ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व इतना मजबूत था कि वह कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी कि मगरमच्छ और करवा के पति दोनों के ही प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वो उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दें, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है तो वह उन्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकते, लेकिन उनके पति की आयु शेष नहीं है। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने यमराज को श्राप देने को कहा। यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त जी सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उनको श्राप दे सकते थे और ना ही उनके वचन को अनदेखा कर सकते थे। उनके श्राप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक में भेज दिया। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसके साथ ही चित्रगुप्त जी ने करवा जी को आशीर्वाद दिया कि हे करवा, जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के तिथि के दिन जो भी महिलाएं पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेंगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से बाहर निकाला था वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वह कच्चा धागा प्रेम और अटूट विश्वास का था। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस दिन भगवान श्री गणेश की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि वे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा करना बड़ा ही शुभ कार्य है। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए ना केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। प्रिय भक्तगणों, इसी प्रकार वामन पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वराह पुराण में मिलता है। तो इस वर्ष करवा चौथ का व्रत
20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, इसलिए इस दिन चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 20 अक्टूबर 2024 प्रातः 6:04 पर और इसका समापन होगा 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को प्रातःकाल 4:01 पर। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी एक ही दिन होते हैं और चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। विवाहित महिलाएं करवा चौथ के दिन भगवान शिव माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करती हैं। करवा चौथ का व्रत करके महिलाएं चंद्रमा के दर्शन और अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहा जाता है, इससे चंद्रमा को जल या अर्घ प्रदान किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में करवा अति आवश्यक है। इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में अन्न नहीं लिया जाता और ना ही जल। इस व्रत को निर्जल किया जाता है और पूरे दिन उपवास करने के बाद चंद्रमा का उदय होता है, तभी चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय रहेगा 7:05 का। इसके बाद आप चंद्र दर्शन करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अब देखिए, करवा चौथ के दिन भोर में ही महिलाएं तड़के उठ करके सर्गी ग्रहण करती हैं और सर्गी के बाद सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह सूर्योदय के समय पूजा करती हैं और संकल्प लेती हैं। शाम को फिर से पूजा की जाती है। संध्या पूजन का अधिक महत्व माना गया है जो प्रदोष काल में किया जाता है, इसीलिए करवा चौथ के दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है 5:46 से लेकर 7:02 तक। इस प्रकार पूजा का शुभ मुहूर्त कुल मिलाकर 1:16 है। प्रिय भक्तगणों, यदि करवा चौथ के समय स्वास्थ्य को लेकर कोई आपत्ति है, समस्या है या फिर कोई महिलाएं गर्भवती हैं तो उन्हें ऐसे समय में यह व्रत नहीं करना चाहिए, और फिर भी अगर कोई महिलाएं करती हैं तो जल फल इत्यादि लेकर कर सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं, व्रत उपवास कर रही हैं तो गर्भ में शिशु को कोई कष्ट ना हो, इसलिए आप जल या फल ग्रहण कर लीजिएगा, अपने लिए नहीं उस शिशु के लिए। इसीलिए अपने गर्भस्थ शिशु को तकलीफ देना व्रत के दौरान अच्छा नहीं माना जाता। और फिर बात यह भी आती है, मासिक धर्म में यानी कि पीरियड में महिलाओं को व्रत करना चाहिए या नहीं। इस दिन महिला पूजन नहीं कर सकती, सिर्फ वह उपवास करके चंद्रमा का दर्शन कर सकती हैं। इसलिए ऐसे समय में भी आप करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। मानसिक रूप से माता पार्वती और शिव जी की आराधना करके उनकी अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। किसी भी पूजन सामग्री को छूना वर्जित है। आप बिना पूजन किए सिर्फ व्रत उपवास करके मासिक दौरान के समय व्रत कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन करवा चौथ की शुरुआत होती है उस दिन सूर्योदय से उठकर सर्गी खाने का नियम है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरा दिन व्रत किया जाता है और संध्या के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद सभी व्रतधारी स्त्रियाँ अपने सासू जी अथवा ससुर जी के लिए वायना निकालती हैं। जिनके पास यदि सासू नहीं है तो किसी बुजुर्ग अथवा ब्राह्मणी को वायना दिया जाता है। रात को चंद्रमा की पूजन करके अर्घ देकर भोजन किया जाता है। करवा चौथ का व्रत अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भले ही करवा चौथ की पूजा करने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन यह पति के लंबी उम्र और घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, अब बात करते हैं पुराणों के अनुसार। तो देखिए, वामन पुराण में साफ तौर पर कहा गया है कि हमें 13 करवा लेना चाहिए, 13 करवों को रख कर उनका पूजन करना चाहिए। 13 करवे में मेवे या अनाज या कोई भोज्य या कोई मिष्ठान इत्यादि रख कर उसके ऊपर अक्षत वगैरह का प्लेट रख कर दीप अर्पण किया जाता है। 13 करवों का पूजन करने का विधान है।
लेकिन अब यह देखा जाता है कि तीन करवे रखे जाते हैं। तो मैं आपको पुराणों का नियम बता रही हूँ। पुराणों में कहा गया है कि 13 करवों से पूजन करना चाहिए। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, करवा फेरते समय करवा एक दूसरे में न टकराएं, न छूने पाए। करवा को थोड़ा सा ऊपर करके करवा फेर लिया जाता है, करवा को आपस में टकराया नहीं जाता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। करवा को आप एक बार या 7 बार फेर सकते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले करवा माता और गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति रख लीजिए। अगर हो सके तो शिव परिवार का फोटो भी ले सकती हैं, जिसमें शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी मौजूद हों। अब इसके बाद चुनरी, नए कपड़े, श्री गणेश जी और शंकर जी के लिए नए वस्त्र, 3 या 13 मिट्टी का करवा आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। यदि आपके पास इतने बजट नहीं है तो आप 3 करवा ही ले लीजिए और 13 ढक्कन या 1 ढक्कन। फिर 1 थाली, चांद देखने के लिए 1 छन्नी, लकड़ी की 1 चौकी, 16 श्रृंगार की सामग्री, 1 कलश, दीप, रुई की बाती, कपूर, अगरबत्ती, गेहूं, अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल, पान का पत्ता, कच्चा दूध, दही, शक्कर या बूरा, शहद, गाय का घी, रोली, कुमकुम, मौली या रक्षा सूत्र, मिठाई, 1 लोटा या 1 गिलास और इच्छा अनुसार दक्षिणा, करवा चौथ व्रत कथा और आरती की 1 पुस्तक। अब देखिए, करवा चौथ पर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पूजा और अर्घ के समय आपकी थाली में ये खास चीज़ें होनी चाहिए। अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, कलावा, जनेऊ, जनेऊ का जोड़ा, फूल, अक्षत, चंदन, अगरबत्ती, घी का दीपक, चंद्र दर्शन के लिए छलनी, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए करवे में जल, व्रत खोलने के लिए पानी और मिष्ठान। तो आप ध्यान पूर्वक इन सभी पूजन सामग्री को लिस्ट में लिख सकती हैं। अब देखिए, करवा चौथ के दिन जो मंत्र बोला जाता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। करवा चौथ में माता पार्वती, विघ्नहर्ता श्री गणेश और शिव जी की पूजा अर्चना का विधान है, इसलिए उनके ही मंत्रों का उपयोग पूजन में होता है। तो देखिए, मंत्र इस प्रकार से हैं। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम, संतान देहि धन देहि सर्व कामाक्षम देहि मे। अब श्री गणेश मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करिएगा। तो प्रिय भक्तगणों, अब अंत में आइए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ पर भूल कर भी न करें ये 10 काम। करवा चौथ का फल नहीं तो करवा चौथ व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। पहला चीज है, देर तक न सोएं। करवा चौथ के दिन देर रात तक न सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। दूसरी बात, सर्गी के अलावा और कुछ न खाएं। सास की दी हुई सर्गी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाई, कपड़े, श्रृंगार का सामान देती है। सर्गी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। तीसरा है, भूरे और काले रंग के कपड़े न पहने। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना गया है। चौथी बात, पूजा से ध्यान न भटकाएं। और पांचवी बात, सोते सदस्य को न उठाएं। खुद न सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। और छठवीं बात, किसी का अपमान न करें। व्रत करने वाले महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। सातवीं बात, पति से न करें झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। आठवीं बात, दूसरे को न दे अपने श्रृंगार का सामान।
करवा चौथ के दिन न महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को न दें और न ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लें। अब देखिए नौवीं बात, इन चीज़ों का दान न करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे कि सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान न करें। दसवीं अंतिम बात, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल न करें। आज के दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचें, सुई धागे का काम न करें, कढ़ाई सिलाई या बटन टाँकने जैसे काम भी इस दिन न करें। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से बताई गई विधि नियम उपाय के अनुसार आप करवा चौथ का व्रत करें। भगवान शिव माता पार्वती शिव जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका यह करवा चौथ का व्रत सकुशल विधि पूर्वक संपन्न हो और आप सदा सुहागन तथा खुशहाल रहें। आपके और आपके परिवार के ऊपर शिव पार्वती जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रिय भक्तगणों, जाते जाते आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में करवा माता की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।